नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पंवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनगणना। राजस्थान की जनगणना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, टॉपिक है राजस्थान की जनगणना। राजस्थान की जनगणना, पहला प्रश्न आता है कि जनगणना कौन करवाता है। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना भारत सरकार का गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना, ध्यान रखिएगा, संघ सूची का विषय है जनगणना। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई। तो उत्तर आता है 1872, लॉर्ड मयो के काल में। भारत का गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड मयो। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय लॉर्ड मयो के काल में हुई सबसे पहले जनगणना। फिर प्रश्न आता है सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई। तो याद रखिएगा, 1881 गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन के काल में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, उनके काल में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई है। ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित जनगणना हुई है 1881 के अंदर। अब प्रश्न आता है सर्वप्रथम ऋणात्मक जनगणना कब हुई। एक बारी हुई है 1981 में। ऋणात्मक जनगणना हुई है, जनसंख्या में कमी आई है, ऋणात्मक जनगणना। सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई है। सर्वप्रथम जातिगत जो जनगणना है वो 1931 में हुई है। ध्यान रखिएगा, 1931 में हुई है जातिगत जनगणना। अब प्रश्न आता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई। 1951 में हुई है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। अब सवाल आता है 21वीं सदी की पहली जनगणना 2001 में हुई और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना 2011 में हुई। ध्यान रखिएगा, 2011 में हुई। भारत में दूसरी बार
जातिगत जनगणना 2011 के अंदर हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार जातिगत जो जनगणना है 2011 में हुई है। अब प्रश्न आता है 2011 में जनगणना आयुक्त या सेंसेक्स कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली सेंसेक्स कमिश्नर थे, ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स कमिश्नर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना आजादी के बाद शांति व सामान्य 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना 2 चरणों में हुई, ध्यान रखना 2 चरणों में हुई। फिर नेक्स्ट बात आती है, 2 चरणों में हुई। अगली बात आती है 2011 की जनगणना का शुभंकर महिला प्रगणक। और फिर बात आती है 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का स्लोगन था, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है 2011 की जनगणना का कार्य अंतिम रूप से कब पूरा हुआ, ध्यान रखिएगा। कब पूरा हुआ तो आता है 31 मार्च 2011 रात के 00:00 बजे कार्य समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया 2011 की जनगणना का, ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2011। अब प्रश्न आते हैं कि 2011 की जनगणना के आंकड़े अंतिम रूप से कब प्रकाशित किए
कब प्रकाशित किए? राजस्थान जनगणना निदेशालय ने 25 मई 2013, ध्यान रखिएगा 25 मई 2013 को राजस्थान जनगणना निदेशालय ने अंतिम रूप से आंकड़े प्रकाशित किए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, ये सभी आंकड़े 2011 जनगणना के हैं, ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 2011 की जनगणना के आंकड़े लिख रहा हूँ, और आंकड़े सारे के सारे किसके हैं? राजस्थान के आंकड़े, राजस्थान के आंकड़े लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न, कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 68,54,84,37, यानी 6,85,48,437 लोग कुल जनसंख्या है। अगर मैं इसे साधारणतया कहूँ तो 6.85 करोड़, ऐसे भी इसको पढ़ा जा सकता है। पहला प्रश्न हो गया, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में 8वां स्थान रखता है, 8वां स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में 8वां स्थान रखता है, और ये जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 5.66%, ध्यान रखिएगा ये कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% है, और इस 5.66% में देखिएगा 2001 की तुलना में 1,20,00,000 वृद्धि हुई, ध्यान रखिएगा 1,20,00,000 की वृद्धि हुई है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो 17.57% जनसंख्या वृद्धि हुई, 17.57% राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, 17.57%, ध्यान रखिएगा 17.57% राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब प्रश्न आता है, ये कुल जनसंख्या है, ये कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? ध्यान रखिएगा पुरुषों के प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, 51.86% पुरुष हैं। अब बात आता है महिला प्रतिशत कितना है, तो देखिएगा 48.14% महिला है, एक नंबर दो नंबर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस पूरी जनगणना में किन्नरों को किसमें शामिल किया गया है? पुरुषों में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा किन्नरों को पुरुषों में शामिल किया गया है जनगणना 2011 में। नेक्स्ट बात आती है, सभी आंकड़े 2011 के हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, तो ध्यान रखिएगा कितनी है, 21.3% जनसंख्या वृद्धि दर है। 2001 में 28.4% थी, 2001 में, अगर मैं 2001 की बात करूं,
0.4%, उसके मुकाबले में 21.3% कम है। ध्यान रखिएगा ये कम है, कितनी कम है, 2001 की दृष्टि से कितनी कम है, मैं कहूँ 7.1% कम है। कितनी कमी है, 7.1% 2001 की तुलना में जनसंख्या प्रतिशत कमी आई है। आगे हम बात करते हैं लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात है 928। 928 का मतलब हुआ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928। 928 यहाँ बैठेगा, 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। और राजस्थान का लिंगानुपात ध्यान रखिएगा, अगर मैं 2001 की बात करूं तो उस समय था 921, अब हो गया है 928, इसका मतलब हुआ 7 वृद्धि हुई, इसका मतलब हुआ 7 की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा 7 की वृद्धि हुई है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं राजस्थान में, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में 165 व्यक्ति था, 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी वृद्धि हुई है लगभग 35%। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न, 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान में है 888, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 888 है 0 से 6, यानी हालात बड़े गंभीर हैं, सोचना चाहिए। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, ध्यान रखिएगा 66.1%, राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। अब 66.1% में देखिए राजस्थान की पुरुष साक्षरता 79.2% है, पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1%, लगभग 50% के आसपास है ना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में महिलाएं कम पड़ी हुई है पुरुषों की तुलना में, महिलाओं को लड़कियों को और ज़्यादा शिक्षित करने की जरूरत है, प्रत्येक लड़की को पढ़ाने की जरूरत है। तो ये जनगणना का पहला पार्ट है, अगले पार्ट में हम जनगणना को पूर्ण विस्तार के साथ एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।